हेलो एवरीवन, आप सभी का चीजी कोड में स्वागत है। ये एक स्मॉल वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई इमेज का यूआरएल है तो उस इमेज को हम इमेज व्यू में कैसे शो करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये इमेज है तो मैं इस इमेज को अपने इमेज व्यू में कैसे शो करूँगा। जनरली हम ड्रॉबल फोल्डर के अंदर इमेजेस रखते हैं, बट कुछ सिनेरियोज में इमेजेस को इंटरनेट से डाउनलोड करके इमेज व्यू में शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ई कॉमर्स ऐप्स की बात करें तो जो प्रोडक्ट की इमेजेस होती हैं वो इंटरनेट से डाउनलोड होकर इमेज व्यू में शो की जाती है। इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी ओपन सोर्स लाइब्रेरीज हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्लाइड, पिकासो, यूनिवर्सल इमेज लोडर और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ग्लाइड का यूज़ कैसे करते हैं। कोड पर चलते हैं। तो ये मेरा एक सिंपल एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट है जिसमें मेरी मेन एक्टिविटी है, ये इसका लेआउट है। ग्लाइड को यूज़ करने के लिए हमें अपनी build.gradle फाइल में एक एंट्री करनी पड़ेगी। तो हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी अपनी build.gradle फाइल में। मेक श्योर करें कि आप इस वर्जन को ही यूज़ करें। उसके बाद सिंक नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद लेआउट फाइल पर चलते हैं और इमेज व्यू डिफाइन करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे लूंगा लीनियर लेआउट। इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल कर देते हैं। उसके बाद इसके अंदर इमेज व्यू डिफाइन करते हैं। इसकी विड्थ को मैं देता हूँ 120 dpi, हाइट को देंगे 120 dpi। इसकी स्केल प्रॉपर्टी होती है, इसको देंगे हम सेंटर क्रॉप और इसको एक आईडी देते हैं img first। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसे आईडी देते हैं img2। तो ये मेरे दो इमेज व्यू हैं जो मैंने अभी यहाँ पे ऐड किए हैं। तो इसका प्रीव्यू देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो मेरे इमेज व्यू हैं जो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे ग्लाइड का। सबसे पहले इनका रेफरेंस क्रिएट करेंगे हम। इमेज व्यू img1 = तो ये मेरे इमेज व्यू हैं जो अभी हमने डिफाइन किए थे अपनी लेआउट फाइल में। तो ये मेरे यूआरएल हैं जो अभी हमें शो करने हैं अपने इमेज व्यू में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्लाइड डॉट विद और यहाँ पे हम अपना कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे दिस। उसके बाद हम लिखेंगे लोड। तो यहाँ पे हम अपना यूआरएल पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ URLs 0। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा into और यहाँ पे हमें अपना इमेज व्यू पास करना है। तो यहाँ पे मैं इमेज व्यू पास करूँगा अपना img1। इसी को कॉपी करते हैं और यहीं पे पेस्ट कर देंगे। तो इसी को यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 और इसे कर देंगे 2। तो ये मेरी एक सिंपल लाइन है जिसके थ्रू हम इमेज लोड करते हैं अपने इमेज व्यू में। सिंपल है। सबसे पहले हम विद का यूज़ करते हैं जिसके अंदर अपना कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं। उसके बाद हम डॉट लोड कॉल करते हैं जिसके अंदर हम अपना यूआरएल पास करते हैं। ये यूआरएल जो है हमारी इमेज को पॉइंट करता है। उसके बाद हम डॉट इनटू करते हैं जिसमें हम अपना इमेज व्यू पास करते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है जिससे हम इमेज डाउनलोड करके अपने इमेज व्यू में शो करते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी इमेजेस लोड नहीं हुए हैं। तो इसके लिए हमें अपनी मैनिफेस्ट फाइल में जाके एक एंट्री करनी पड़ेगी यूजर्स परमिशन की, क्योंकि ये जो इमेजेस हम इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें इंटरनेट परमिशन ऐड करनी पड़ेगी। इसको दोबारा से रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों इमेजेस लोड हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हम इंटरनेट की इमेजेस को अपने इमेज व्यू में शो करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक कंक्रीट एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम रीसाइक्लर व्यू का यूज़ करेंगे, ग्लाइड का यूज़ करेंगे, वॉली और जीसन का यूज़ करेंगे। मेक श्योर करें कि आप नेक्स्ट वीडियो देखें। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।